अगली खबर आ रही है छतरपुर से, जहां महाराजपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम उदमऊ के निवासी मानिक चंद अनुरागी के पिता की मौत होने के कारण सबका कुशवाहा परिवार अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे थे। जानकारी के अनुसार ग्राम उदमऊ के दबंगों का कहना था कि जो चिन्हित शमशान घाट बने हुए हैं उन पर ही सबको जलाया जाए। वहीं दूसरी ओर मानिक चंद अनुरागी का कहना था कि हमारे पैतृक लोग पहले से जिस जमीन में जलते आए हैं उसी जमीन में हम जलाएंगे। काफी विवाद होने के बाद कुशवाहा परिवार ने दखलबाजी की, लेकिन मामले की सूचना महाराजपुर तहसीलदार विजय कुमार सेन को मिली तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए गढ़ी मल्हारा टीआई टीका राम कुर्मी, महिला एसआई संतोष सिंह और पुलिस बल के साथ मौके पर ग्राम उदमऊ पहुंचे और मृतक के परिजनों को धाड़स बधाया। जब मीडिया ने महाराजपुर तहसीलदार विजय कुमार सेन से बात की कि आखिर मामला क्या था, तो उन्होंने बताया कि वहां पर शासकीय जमीन थी जिसका खसरा नंबर 503 है और शासकीय भूमि है। अनुरागी परिवार का कहना था कि इस भूमि में अपने पितरों को जलाते चले आए हैं, आज भी हम अपने पिता का अंतिम संस्कार इसी जगह पर करेंगे। लेकिन वहां पर घंटों विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जब प्रशासन वहां पर मौके पर ग्राम उदमऊ पहुंचा और प्रशासन के द्वारा अनुरागी परिवार को धाड़स बधाने के बाद महाराजपुर तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन की मदद से मृतक का शव शासकीय भूमि पर ही जलाया गया। गढ़ी मलहरा टीआई टीका राम कुर्मी, एसआई संतोष सिंह, एएसआई राम अवतार चौरसिया, विवेक पहलाद मौके पर मौजूद रहे। वो वास्तव में रास्ता का विवाद है और उसका निराकरण रास्ता विवाद के तौर पर न्यायालय के द्वारा किया जा चुका है। 530 नंबर सरकारी नंबर है, वहाँ पे अनुरागी समाज के व्यक्तियों का दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ के लिए रास्ता बहाल कर दिया गया था और रास्ता चूंकि नहीं दे रहे थे दूसरे समाज के लोग, तो वो रास्ता जाके दिलवाया गया और साथ ही साथ में वहाँ पे दाह संस्कार संपन्न हो गया। पाँच घंटे से अधिक तक डेड बॉडी सड़क पर रखी रही, जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा था विवाद, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मेरे संज्ञान में नहीं है। ये अवश्य है कि उसमें उभय पक्षकारों को समझाइश दी गई और उभय पक्षकारों ने भी उस मामले को संवेदनशीलता के साथ में नहीं लिया था। जब पहुंच करके संवेदनशीलता के साथ में उस मामले को निराकृत किया गया तो उभय पक्षकार माने भी और आवश्यक वहां पर समझाइश के साथ साथ निराकरण के लिए सारे प्रयास किए। सर, पूर्व में साहू समाज के एक अंतिम संस्कार को इसी प्रकार इन लोगों के द्वारा रोका गया था, तो उसके बाद भी विधि अनुसार जिन लोगों ने भी इस प्रकार का व्यवधान निर्मित किया उनके ऊपर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। सर्व सुविधा नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।